गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मालवन चिवला बीच रिसोर्ट। अभी वक्त हो रहा है 10, हम एडिटिंग कर रहे थे वहाँ पर। ये हमारा डेस्क है, शाही डेस्क। यहाँ पर हमें परियों ने अभी मलबेरी स्ट्रॉबेरी सब देखे गए। वहाँ पर हमारा कॉफी बनता है। फुल शाही तरीके से एडिटिंग चल रही थी और कॉल आया, बुलावा आया ब्रेकफास्ट के लिए। 10 बजे आखिरी टाइम है, तो जब स्टेशन से गाड़ी छूट जाती है ना, तब हम जाते हैं पकड़ने के लिए। चल रहे। गुड मॉर्निंग अंकल, हैप्पी दशहरा, आज दशहरा है, हमें याद दिलाया सर ने। मिसल पाव, पोहा, ब्रेड बटर, चाय, कॉफ़ी, उसके अलावा कुछ ऑर्डर करोगे तो चार्ज पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या ऑर्डर किया? पोहा। पोहा मतलब हम क्यों जब हम मुंबई से निकले थे इस ट्रिप के लिए, अभी हमें इस ट्रिप का तीसरा दिन है ना आज का हमारा? Yes, तीसरा दिन है। ओके, जब हम निकले थे तभी हमारे सौरभ तिवारी जी, हमारे ट्रेनर, उन्होंने कुछ एक्सरसाइज हमें दिया था। स्ट्रेचिंग, स्पॉट रनिंग, पुशअप्स, स्पाइक पुशअप, क्लोज ग्रिप, लेग रेजेस, क्रंचेस, प्लैंक्स। 3 दिन से कुछ नहीं हो रहा सौरभ भाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो कुछ हम कर सकते हैं। राज, राज कर रहे हो यार तुम चिवला बीच पे? अभी 4:10 हो रहा है, वीडियो एडिट और अपलोड करने में काफी टाइम लग गया। वैसे हम लोग चिवला बीच रिसोर्ट में रुके हैं, यहाँ से 10 कदम आगे आपको चिवला बीच मिलेगा। और अभी का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं सिंधुदुर्ग फोर्ट और कल सुबह चिवला बीच कवर करेंगे। कल मतलब आज ही कवर करने का प्लान था, लेकिन आज अगर अपलोड हो गया होता टाइम पे तो काम हो जाता। और राज भाई से बात करते हैं। राज भाई, आप मुझे बताओ कि यहाँ पर चिवला में सबसे फेमस क्या है? बीच है, अच्छा बीच है वो। कल रात को हम लोग गए थे चिवला बीच पे, रात था लेकिन बहुत पीस था और अच्छा था। थोड़ा थोड़ा मरीन ड्राइव वाला फील आ रहा था, लेकिन अच्छा है। भीड़ भाड़ थोड़ा कम है, भीड़ भी नहीं रहता है। अच्छा, कल रात को हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया था, कल हम लोगों ने चिकन सूखा मंगाया था और आज हम लोगों ने चिकन थाली मंगाया, दोनों ही बहुत स्पाइसी था। ऐसे क्यों? क्योंकि वो मालवन का जो ब्रांड है ना, वो अच्छा है। मालवन स्पाइसी है, स्पाइसी मतलब यहाँ पर अगर कुत्ता भी काटेगा तो स्पाइसी लगेगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी कुछ नहीं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हेलो। अरे पहुंच गई। अरे काका, सिंधुदुर्ग फोर्ट कैसे जाने का? उधर से गेट है उधर। What a beauty, bro. मन में क्या ख्याल है बताओ तो। अरे देखो तो सही सर। Now we are going to Sindhudurg Fort by boat. Oh, Sindhudurg Fort by boat. What a crazy combination. So अभी हम जा रहे हैं टिकट बुक करने के लिए वहाँ पर, और वो कह रहे हैं कि 20 लोग होने के बाद वो बोट हिलेगी, नहीं तो हिलेगी भी नहीं। मेरा एक सवाल है आपसे, अगर 20 आदमी कंप्लीट नहीं हुए तो फिर वापस कर दोगे पैसा? इसलिए टिकट नहीं देते। अच्छा, इसलिए देते ही नहीं है? जब आप 20 जन हो गए तभी टिकट निकलने का, रिफंड नहीं होता। डाउट क्लियर, थैंक यू सर। अच्छा, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, MSKians हर जगह हर तरफ हर वक्त, बात तो बिल्कुल सच है। क्या नाम है आपका? चिन्मय। जय सर। रजत। आज के हमारे सफर में ये भी साथी हैं। देखो अभी हमारी बारी है। वैसे मुझे स्विमिंग आता है, कोई टेंशन नहीं है इसका, मेरे को टेंशन है। आता है मुझे स्विमिंग। तुझे भी आता है? लेकिन इस कैमरे को स्विमिंग नहीं आता ना, कौन बचाएगा इसे? ब्लॉक कैसे आएगा फिर अगर इसको कुछ हो जाएगा तो? ये तो जान है हमारी। हमें प्रिविलेज मिल रहा है। क्या राइड था यार, मज़ा आ गया। पहुँच गए हम लोग फोर्ट पे, जा रहे अभी। एक दो तीन चार, अपने साथ कितने चीते लोगे? चार पाँच, टोटल पाँच। चलो अपने चीते हो गए तो फिर चलो।
टाइम हो रहा है 5:10, हम क्या कर रहे हैं पहले यहाँ पर ड्रोन उड़ा लेते हैं, ऊपर से जितना ब्यूटी कैप्चर कर सकते हैं कर लें, उसके बाद समझ लेंगे। ओ ब्रो, फीलिंग लाइक अ किंग। एंट्रेंस के फर्स्ट फ्लोर पे हम चढ़ चुके हैं, ये सारे कौवे हैं, वो आगे सारे चील है, और इस बीच में हमारा क्या कबूतर टिक पाएगा, और अगर कुछ हुआ तो डायरेक्ट समंदर में 1,25,000 डायरेक्ट पानी में डूबेगा। क्या क्या करना चाहिए, रेस को उठाना चाहिए? सही आएगा। चलो ठीक है, स्पॉन्सर वीडियो आ रहे हैं ना आजकल, तो हो जाएगा अपना। क्या सुंदर सा फोर्ट है यार ये, पानी के बीचों बीच। अभी थोड़ा वेदर खराब हो रहा है, बारिश होने की संभावना है, और बादल वादल दिख रहे हैं, काले घने घने आ गए हैं यहाँ पर। अभी हम लोग जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं, वो भी चिन्मय बताएगा कहाँ जा रहे हैं। खबर देने वाला चिन्मय, मैं सिर्फ पोर्ट्रेकर और स्टोरी को, दैट्स इट। अपन क्या स्टोरी टेलर ना, इन्फॉर्मेशन कहीं और से मिल रहा अपने को। लेकिन मानना पड़ेगा शिवाजी महाराज हर जगह हर तरफ हर वक्त थे, समंदर में भी थे, पहाड़ों में भी थे। हम लोग ट्रैक करके ऊपर जाते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं राजमाची फोर्ट, विकटगढ़ फोर्ट, जानते ही हो कितना ट्रैक किया हूँ मैं, रायगढ़ फोर्ट, रायगढ़। अरे मतलब क्या क्या, अच्छा मतलब कैसे रहते होंगे यार, क्या लाइफ होती होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जो मैं देख रहा हूँ अगर आप वो देखोगे तो देखते रह जाओगे। क्या आप देख पा रहे हो, क्या आप रेनबो देख पा रहे हो? यहाँ पर आना हमारा सफल हुआ, हम मोहित हो गए, मजा आया। जैसे आप सिंधुदुर्ग फोर्ट में आते हो, बोट आपको यहाँ छोड़ता है, तो आपको 1 घंटे का टाइम देता है, हमारा 1 घंटा होने को भी 15 मिनट बचा। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग के 6:42, जो कल की फीलिंग थी ना, कल एक ऐसी फीलिंग थी जब हम वापस आ रहे थे, इट जस्ट अंदर ही अंदर ना बहुत सुकून सा ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, पानी की लहरों में, पानी की आवाज़, और कुछ नहीं, सब शांत। जब लोग जा रहे थे तब बोट पे लोग आवाज़ें कर रहे थे, लेकिन जब आ रहे थे तो सब शांत थे, एक अलग लेवल वाली फीलिंग थी, मज़ा आ गया। तो आज का जो हमारा प्लान है वो स्कूबा डाइविंग करने का, एंड अभी हमारे पास कुछ वक्त है, हम जा सकते हैं। अरे ताकतवर लैब है अंकल ये। चिवला बीच कवर कर सकते हैं, वहाँ पर जाके सिर्फ ऊपर से देखेंगे कि चिवला बीच कैसे दिखता है। चिवला बीच अभी तक मैं गया नहीं हूँ, रात में मैं 2 बार जा चुका, कल खाना खाने के लिए हम लोग वहीं पर गए थे, लेकिन आज दिन में देखेंगे कि कैसा दिखता है। गाड़ी तैयार है हमारी, माय चॉइस। ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं माय चॉइस के बारे में। माय चॉइस एक कार रेंटल कंपनी है जहाँ पर आप कार रेंट कर सकते हो, आवरली, वीकली या फिर मंथली भी, लोअर रेट में प्रोवाइड करता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अनलिमिटेड किलोमीटर्स आप चला सकते हो। एक बात मुझे अच्छी लगी कि पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस है, गाड़ी मेरे को ड्रॉप कर दी गई थी मेरे घर के बाहर, अब पिक करने के लिए भी कोई ना कोई आ जाएगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, हम हमेशा हमारे MSKN का ख्याल रखते हैं। देखिए 15% ऑफ है MSKN कूपन कोड, अगर आप कोई कार रेंट करते हो माई चॉइस की तरफ से और ये कोड यूज़ करते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा हमारी तरफ से। पहुँच गए हम बीच भाई, ओहो देखो इसको देख के थोड़ी थोड़ी आपको मरीन ड्राइव वाली फीलिंग आती होगी। जिस पल का मुझे बेसब्री से इंतजार था और जिसके लिए मैं एक्साइटेड था, जिसके लिए मैं ये ट्रिप पर आया था स्कूबा डाइविंग, वो करने का टाइम आ गया है। हमारे साथ हैं चिन्मय, हाय, कल भी आए थे, ये बहुत मदद कर रहे हैं मेरी, थैंक यू सो मच यार। 3 बजे सोए और सुबह 6 बजे उठ गए, मोहब्बत कहते हैं इसे। और हमारे साथ आसिफ, ये प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर है, इनको सारा लेखा जोखा स्कूबा डाइविंग का सब कुछ पता है, तो ये हमारे साथ रहोगे ना तुम? हाँ, मुझे फुल वो सीन याद आ रहा है, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा, ऋतिक रोशन
देखो स्कूबा डाइविंग जो है ना वो हम तारकली में भी कर सकते हैं, तारकली यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम जा रहे हैं अभी सिंधुदुर्ग फोर्ट के पीछे साइड, वहाँ पर हम अभी स्कूबा डाइविंग करेंगे। और मजा आने वाला है। शबीर वाह क्या बोलता है, एक नंबर बाबा, बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। कल भी हम लोग यहाँ पर आए थे शाम को सिंधुदुर्ग फोर्ट जाने के लिए, आज भी आए हैं, लेकिन आज पानी में डुबकी लगाने के लिए। क्या बोलते भाव कैसा है? अरे एक चीज़ जो मुझे आसिफ ने बोला था कि अगर आपको स्कूबा डाइविंग करना है तो मॉर्निंग में कर लो, 9 बजे से लेके 12 बजे, 9, 10, 11 तक। दोपहर में वेव्स फास्ट हो जाती है और कुछ दिखता नहीं है, तो मॉर्निंग इज़ द राइट टाइम। ऑलराइट ऑल मिस्किन्स, फाइनली वक्त आ चुका है हमारा, अजीम भाई हमारे तैयार हो रहे हैं। अभी जो फीलिंग है ना बहुत अजीब सी फीलिंग, मतलब एक एक्साइटमेंट है, एक डर है। ये है BCD, इसको बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। ओके, जब आप पानी के ऊपर रहते हो तो आपको ये बॉयंस करते हैं। लॉन्ग ब्रीथ करना है, लॉन्ग ब्रीथ छोड़ना है। बहुत मजा आया बॉस। ये मेरे जिंदगी का फर्स्ट टाइम है जब मैं स्कूबा डाइविंग कर रहा हूँ, पहली बार हमने डाइविंग किया है। पता नहीं मेरे को ना पहले से ही ऐसा लग रहा था कि मैं डाइवर हूँ। ऑक्सीजन डिमांड मैंने लगाया और मुझे लगता है कि अपन चैंपियन है, अपने कोई तकलीफ नहीं हुआ। बट मजा आया यार, क्या लाइफ है यार। एक मछली हम पे अटैक कर रही थी। जब मैंने ट्रैवल शुरू किया था तब मैं दो चीज़ें करना चाहता था मस्ट, एक स्कूबा डाइविंग और एक स्काई डाइविंग। स्काई डाइविंग दुबई आता है, ये एक झांकी है, और भी पिक्चर आना बाकी है। अब बड़ा स्कूबा डाइविंग करेंगे, स्कूबा डाइविंग बड़ा वाला। चलो अभी चेंज करके मिलते हैं आपको। ऑलराइट, सो स्कूबा डाइविंग के जितने मज़े लूटना था हमने लूट लिया, लेकिन मैं नाइंसाफी नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। आप लोगों को बताऊँगा कि हमने कहाँ से किया, कौन हमें स्कूबा डाइविंग करवाया और कितने में किया। आइए, ये हैं अजीम, डाइवर है, प्रोफेशनल डाइवर, ये अंदर तक थे हमारे साथ, और इनके भाई हैं आसिफ। तो जब भी आप आओगे मालवन में तो इनका डिटेल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। बहुत ही लोअर रेट में हमने स्कूबा डाइविंग किया हुआ है, लेकिन ये जो रेट है मैं यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज कि सीज़न टू सीज़न ये रेट चेंज होते रहते हैं, और अगर आप पर्सनली जाओगे तो कुछ ज़्यादा पैसा लगेगा और लोगों के साथ जाओगे तो कम लगेगा, तो ये सब चीज़ समझा देंगे, है कि नहीं। तो आओ अजीम भाई से मिलो, आसिफ भाई से मिलो, अगर कोई हमारे MSKNs आएंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा उनको। हाँ मिलेगा ना, ज़रूर मिलेगा। देखो तुम्हारे लिए हमेशा मैं हर जगह डिस्काउंट के लिए बातें करता हूँ, ख्याल रखता हूँ, ठीक है। चलो ये दोस्त
ए दोस्त उधर केक है, हट जा वहाँ से। एकदम मजबूत पक्की सीमेंट से बनाया गया मंदिर। भाई तेरे को मैं फेंक देना है, मैं बता रहा हूँ कैसा करता है ये। अमित जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बढ़कर कोई धर्म नहीं।